Hello guys, welcome to the course of operating system. Today we are going to discuss about the design and implementation of operating system. So this video lecture mein hum kahin na kahin operating system ke design and implementation ke concern ke bare mein discuss karne wale hain. Iske pehle video lectures mein humne baki cheeze dekhi jaise system call ho gaye, kernels ho gaye. To kahin na kahin abhi bari aati hai ki hum operating system abhi agar design karni hai, what are the considerations to be carry out that to be discussed over here. So let's start with the considerations guys. Here what I'm showing you are the pictures of the Andrew Tenenbaum. So यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन का एक कार्टून बनाया हुआ है जिसमें कंसिडर किया हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डेवलप करनी है तो हमें कहीं ना कहीं वो बाकी रिसोर्सेस हमारे पास जो अवेलेबल है उनको सपोर्ट करनी चाहिए, जैसे कि सब सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल सिस्टम, ये सारी चीजें तो प्रोवाइड करनी चाहिए. इसके लिए कहीं ना कहीं हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सेपरेट सर्विसेज का वीडियो बनाया है. लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ और पैरामीटर्स है जिसको कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम मेनी फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर फ्रॉम बोथ यूजर्स एंड द सिस्टम पर्सपेक्टिव. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसी होनी चाहिए, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से व्यूज देखे थे जिसमें यूजर्स और सिस्टम के पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर करना जरूरी है. यहाँ पर ये भी पहला पॉइंट बहुत ही मस्ट है. सेकंड पॉइंट अगर बोलते हैं तो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी careful because if the design fails, so it may leads to produce bad output and will be reason to unsatisfy the user. अगर कहीं ना कहीं अगर हमारे operating system की design अगर wrong है या bad है तो कहीं ना कहीं वो output भी wrong produce करेंगी, और output अगर wrong produce करती है तो कहीं ना कहीं user का satisfaction नहीं बनेगा. So overall हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम के और यूजर के हिसाब से हमें कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर्स को कंसीडर करना पड़ेगा व्हाइल डिजाइनिंग एन ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल प्रिंसिपल्स गाइस. सो हियर देयर आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर अवेलेबल टू व्हाइल डिजाइनिंग ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन गाइस, परफॉर्मेंस. फॉर एनी प्रोडक्ट दैट मस्ट हैव परफेक्ट एंड शुड बी एबल टू परफॉर्म टास्क विद अ गुड मैनर, एंड दिस इज ऑल्सो बिग इशू while designing an OS. यहाँ पर क्या है कि परफॉर्मेंस कोई भी प्रोडक्ट हम अगर डेवलप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कैसे देगा ये सबसे पहला कंसिडरेशन जरूरी है. क्योंकि यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस अगर उसका अगर लो रहा तो कोई भी उसको प्रेफर नहीं कर पाएंगे. तो परफॉर्मेंस हाई होना जरूरी है. तो परफॉर्मेंस अगर हाई होगा तो कहीं ना कहीं कोई भी यूजर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा. तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में क्या है, जीजिए कोई भी चीजों को करने के लिए हमारे पास परफेक्ट टेक्नोलॉजी जरूरी है, परफेक्ट लॉजिक जरूरी है, और सारी चीजें वेल कॉन्क्रीट होना जरूरी है. जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं कि कोई परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एवरेज बाइट पर रीड एंड राइट, एवरेज रीड राइट टाइम कितना लगेगा, डिस्क को रीड राइट करने का कितना पर सेकंड में कितना रहेगा, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, पेजेस इनपुट पर सेकंड है, पेजेस पर सेकंड है, प्रोसेसर क्यू लेंथ कितनी है, प्रोसेसर यूसेज कितना है, ये सारी चीजें परफॉर्मेंस के बेसिस पर है. जैसे हम अभी अगर हम जाते हैं कि हमारे टास्क मैनेजर में जाएंगे वहाँ पे परफॉर्मेंस का अगर एक आधा डायलॉग बॉक्स शो करेंगे तो वहाँ पे सारी चीजें देखेंगे कि हमारा कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो ये सबसे पहला फंडामेंटल पॉइंट. लेट्स टेक द सेकंड पॉइंट, रोबस्टनेस. व्हाइल एनी हजार्ड, मतलब क्या कि कोई अगर सिस्टम में एक आधा फॉल्ट आता है या एक आधा कोई ना कोई डिफिकल्टी आती है, एक आधा लॉस अगर होता है, ओएस शुड बी रोबस्ट बिकॉज इट इज इफ इट कोलैप्स इट कैन नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट एंड यूजर कुड not get any satisfaction. तो कोई ना कोई अगर छोटा सा अगर कोई यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस समय पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रेक हो गई तो कहीं ना कहीं आउटपुट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, और आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं यूजर की सेटिस्फेक्शन कम होगी. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसी डिजाइन करना जरूरी है कि वो छोटे हजार्स को छोटे बड़े हजार्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करे इन द सेंस कोप अप करे सो दैट परफेक्ट आउटपुट उसका जनरेट हो. और ये जो रोबस्टनेस है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सपोज टू बी हार्ड टू ब्रेक, मतलब इजीली ब्रेक नहीं होनी चाहिए. जैसे अटैकर्स है, वायरसेस है, इनके थ्रू कहीं ना कहीं इसने बचना चाहिए. तो ये हमारा सेकंड पैरामीटर. तीसरा पैरामीटर हम कंसीडर करते हैं इफिशियंसी. ओएस शुड बी इफिशियंट टू प्रोड्यूस एन आउटपुट. मतलब क्या कि हमें इफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमें इफेक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा. मतलब हमें इफिशियंसी हमारी अगर ज्यादा है
तो कहीं ना कहीं हम इफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे, और अल्टीमेटली हमें कोई भी यूजर पूछेगा कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस करती है क्या. सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द इफेक्टिव आउटपुट वी शुड हैव एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजाइन. एफिशिएंसी यहाँ पर हमें मेजर करनी पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्केलेबिलिटी. OS should have a scalable capability. If any users want to increase the number of processes, that time OS should support to user requirement up to the some extent, so that the throughput can be increased. मतलब क्या scalable, मतलब क्या कि अगर एक operating system हमने बनाई है, जो बनी है मान के चले किस purpose के लिए, तो उसको एक आधा अगर additionally task अगर उसको दिया जाता है तो उसमें वो collapse नहीं होनी चाहिए. वो उसको भी कहीं ना कहीं एक प्रोसेस, मतलब मान के चलो कि एट अ टाइम एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस एग्जूट होते हो रहे हैं, तो उसमें चार पांच और छह पांच प्रोसेस ऐड भी कर दिए, तो वहां पर उसको जो है नेचर है वो स्केलेबल होना जरूरी है, सो दैट अल्टीमेटली हम थ्रूपुट ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे एट अ टाइम, सेम टाइम वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ज्यादा काम करने के लिए सपोर्ट कर रही है. दैट इज व्हाट द स्केलेबिलिटी गाइज. Then predictability, it should not be unpredictable. Every time it should produce the same result. मान के चलिए कि आज हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हमने एक इनपुट दिया है 2+2, 4 आउटपुट आ रहा है. कुछ साल बाद, कुछ दिन बाद अगर उसको वही आउटपुट, वही इनपुट देंगे 2+2, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वही आउटपुट निकलना चाहिए जबकि 4 आना चाहिए. ये प्रेडिक्टेबल होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आज कुछ अलग बिहेव कर रही है, उसके बाद कुछ अलग बिहेव करेंगे. दिस इज नॉट टू बी देयर, दिस सपोज टू बी नॉट देयर. तो प्रेडिक्टेबिलिटी इज वॉट, ये कहीं ना कहीं सेम सिक्वेंस, सेम आउटपुट, सेम कंसिडरेशन को चलते हुए जितने समय पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगी वो सेम आउटपुट हमें देना चाहिए, आज कल और परसों जो भी है. कल भी दे रही थी, आज भी दे रही, कल भी आगे वाले आगे कल वाले भी सेम आउटपुट देना जरूरी है, प्रेडिक्टेबल होना जरूरी है. जो चीज़ों को प्रेडिक्ट करना चाहिए, जो कि सिस्टम में कुछ प्रेडिक्शन आते हैं, मतलब क्या कि रिसोर्सेज की बारी आ रही है, प्रोसेस की बारी आ रही है, कुछ अगर कोई म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, डेडलॉक हो गया, तो ये सारी चीज़ों को कहना प्रेडिक्ट करना चाहिए कि सिस्टम में क्या क्या चल रहा है, और आउटपुट सेम मैनर में प्रोड्यूस करना जरूरी है. देन नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. हमारे पास सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो रिसोर्सेज बहुत सारे यूजर्स की डिमांड होती है कि रिसोर्स हमें यूज करना है, तो वहाँ पर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है. सो दैट इट शुड प्रोवाइड द फेयर एंड एक्सक्लूसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस, सो दैट दे कैन गेट एग्जीक्यूटेड देयर टास्क विद इन विदाउट इंटरलिविंग टू द अदर प्रोसेस. मतलब क्या कि प्रोसेस वन को एक मेमोरी चाहिए, प्रोसेस टू को दूसरी मेमोरी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोसेस वन और प्रोसेस टू के एक ही मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, उसके कंटेंट इंटरलिव. एक ही प्रिंटर है, एक बार एक ही प्रिंटर को या एक ही रिसोर्स या सीपीयू को बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं और सभी को सीपीयू दे दिया, तो देयर विल बी अ डैंडलिंग ऑफ पॉइंटर, देयर विल बी अ डैंडलिंग ऑफ अ सिचुएशन. कहीं ना कहीं कुछ बायसिंग हो जाएगी या कुछ अलग चीजें हो जाएंगी. मतलब ये कहीं ना कहीं प्रॉपर फेयर और एक्सक्लूसिव यूज होना चाहिए सभी रिसोर्स का जो कि हमारे पास अवेलेबल है. तो रिसोर्स का एक्सक्लूसिव यूज हो गया मतलब डेडलॉक भी हो गया, स्टार्वेशन नहीं आएगा प्रोसेस के लिए भी, सारी चीजें स्मूथली चलेंगी, ये भी कंसिडरेशन होना जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम दिस मॉड्युलैरिटी, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब लैंग्वेज का यूज करके हम उसको कोड कराएंगे, तो लैंग्वेज का यूज करेंगे तो उसमें उस लैंग्वेज में मॉड्युलैरिटी कंसेप्ट होना जरूरी है, सो दैट इट इज गोइंग टू बी इजी टू डीबग एंड टेस्ट. ओके, मतलब कभी भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम उसको ऊपर इजीली डीबग या टेस्ट कर सकते हैं मॉड्युलैरिटी. देन नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज व्हाट द रिलायबिलिटी, सो दैट द यूजर कैन ट्रस्ट ऑन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सभी पैरामीटर्स ऊपर के अगर कंसिडर हो गए और परफेक्ट हो गए तो कहीं ना कहीं यूजर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, और यूजर का सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है तो मतलब ये कि कोई भी उसको सिंपलीसिटली उसको यूज कर रहा है. तो ये सारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल कंसिडरेशन करना जरूरी है, और ये हो गए जनरल प्रिंसिपल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, व्हाट वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू कंसिडर दिस फोर पैरामीटर्स. नंबर वन, डिजाइन गोल हमें सेट करने पड़ेंगे. तो डिजाइन गोल में हमें यूजर गोल और सिस्टम गोल की सबसे हमारे पास सेपरेट वीडियो है. मैकेनिज्म एंड पॉलिसीज, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा. थर्ड है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन, कैसे करना है, किस लैंग्वेज का यूज करना है, यह हमें देखना पड़ेगा. और जो चौथा है, सिस्टम स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यह भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. सो डिजाइन गोल में हम देखने वाले यूजर के हिसाब से कौन से गोल होंगे, सिस्टम के हिसाब से कौन से गोल होंगे. मैकेनिज्म में, पॉलिसी में, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब क्या है कि सीपीयू को अगर प्रोटेक्शन देना है तो सीपीयू का प्रोटेक्शन किस बेसिस पे होगा, टाइमर के बेसिस पे होगा, दैट वी हैव टू डिस्कस. इम्प्लीमेंटेशन में हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करके हमें इम्प्लीमेंट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे. और सिस्टम स्ट्रक्चर में क्या है कि वहाँ पे यूजर मोड होनी चाहिए, सिस्टम मोड होनी चाहिए, सिंगल मोड होनी चाहिए, डबल मोड होनी चाहिए, मोनोलिथिक कर्नल होना चाहिए, माइक्रो कर्नल होना चाहिए, या लेयर्ड अप्रोच होना चाहिए, ये सिस्टम स्ट्रक्चर में हम देखेंगे. यहाँ पर ये जो हम इस वीडियो लेक्चर में देखा है कि बेसिक प्रिंसिपल्स देखे हैं और क्या क्या कंसिडरेशन है वो देखे हैं. इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास वो जो चार पॉइंट हमने यहाँ पर पुट अप किए हैं उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. आई होप गाइज दिस इज ओके विथ यू, व्हाटएवर द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड.
थैंक यू सो मच।